हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, मौजूदा मुल्की सूरतेहाल में इस वक्त हुक्मरान जमात के अंदर एक कश्मकश सी दिखाई देती है और ख़बरें ऐसी आती हैं कि कभी कोई एक साइड से खींच रहा है, कभी कोई दूसरी साइड से खींच रहा है। कोई ये कहता है कि मफाहमत करनी चाहिए, कोई ये कहता है कि नहीं, मज़ाहमत करनी चाहिए और फुल टकराव होना चाहिए और कतई तौर पर कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अंदर चल क्या रहा है पार्टी के अंदर इस वक्त, सोच क्या है? इससे पहले कई बार आप मुस्लिम लीग के कई रहनुमाओं की गुफ्तगू सुन चुके हैं, लेकिन एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने ना लेफ्ट की कभी बात की है ना राइट की कभी बात की है, वो बड़ी एक सेंट्रिस्ट किस्म की लाइन लेते हैं हमेशा मुस्लिम लीग के अंदर। आज हमारे बड़े खसूसी मेहमान हैं, उन्होंने हमारे वक्त निकाला, बड़ा शुक्रिया उनका। वफाकी वजीर रेलवे और मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक साहब, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बड़ी खुशी हो रही है आपसे लाहौर में मुलाकात करके। बहुत मेहरबानी, वेलकम टू लाहौर। थैंक यू सर। फायज साहब, ये बताइए, लाहौर का ही चले हमने नाम ले लिया, क्या इस वक्त खबरें क्या हैं? मुस्लिम लीग नून को परेशानी में दिखती है, एक लीडर कोई बयान देता है, दूसरा लीडर तीसरा बयान देता है, कोई कहता है कि जी मफाहमत करनी चाहिए, इदारों से टकराव नहीं करना चाहिए, एक कहता है कि जनाब हम छोड़ेंगे नहीं, अब हमारे वोट का जो है वो जो इज्जत है उसको उस पर हर्फ नहीं आने देंगे, हो क्या रहा है पार्टी के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सियासी जमातों में इख्तलाफ़ राय जमहूरियत का हुस्न भी है और हर सियासी जमात में इख्तलाफ़ राय होता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि जमात के अंदर ग्रुपिंग हो गई है या दरारें पड़ गई हैं, अपना अपना नुक्ता नज़र है, मंजिल एक ही होती है लेकिन वहाँ तक जाने के रास्ते मुख्तलिफ सजेस्ट किए जाते हैं। हमेशा जब भी कोई इशू आता है तो पार्टीज़ में डिवीजन होती है और डिवीजन के बाद एक फ़ैसला होता है। ये चूँकि बहुत बड़ा हमला PMLN पर हुआ है, ये जो आखिरी राउंड अपनी तरफ से खेला गया, इससे पहले भी धरनावान से ये कहानी शुरू हुई थी और फिर उसके बाद रुकी नहीं है, जिसके नतीजे में जो आखिरी हमला है, इसके नतीजे में आखिरी है या शायद आखिरी हमलों में से एक है, तो इसके नतीजे में नवाज शरीफ साहब को अदालती एक फ़ैसले के ज़रिए डिसक्वालीफाई किया गया है मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट की मेम्बरशिप के लिए, और उनकी वजारत उज़्मा जो है उसके नतीजे में वो जाती रही है। तो ये ज़ाहिर है बहुत बड़ा, आप मुझे कहने की इजाज़त दें कि झटका PMLN को लगाने की कोशिश की गई है, लग तो गया है। और जब इस तरह के हमले किए जाते हैं या झटके दिए जाते हैं तो ज़ाहिर है उनका एक फितरी रद्द अमल है। मैं नहीं समझता कि PMLN का फितरी रद्द अमल उतना शदीद है जितना बड़ा झटका हमें लगाया गया है। मुसलसल 4 साल से ये कोशिश की जा रही थी, पूरी कौम को इस बात का पता है। और अफसोसनाक बात यह है कि मुल्क तो आगे बढ़ गया लेकिन बाज़ लोगों का जो माइंड सेट है उसके अंदर जो है वो ज़्यादा तब्दीली नहीं आई। तब्दीली तो आई है, ज़्यादा तब्दीली नहीं आई जो आनी चाहिए। एक इजाज़त दीजिए मुझे बात करने की, हमारी सियासी जमातें मैच्योर क्यों नहीं होती? अगर एक शख्स अगर ना अहल हो गया, आगे चलें, और बड़े लोग हैं, बड़ी लीडरशिप आपके पास पड़ी है। वो एतज़ाज़ अहसन साहब की मुझे स्पीच याद आ गई जो उन्होंने कौमी असम्बली में, आप मौजूद थे, चौधरी निसार साहब के साथ मौजूद थे, मुझे याद है आज भी, जो वो कह रहे थे कि जनाब अपनी बेंच स्ट्रेंथ को देखें, बड़े बड़े अच्छे काबिल लोग वहाँ पे मौजूद हैं, तो नवाज शरीफ साहब के रिप्लेसेबल नहीं है, कोई और बंदा नहीं उनको टेक ओवर कर सकता? नहीं, ऐसे नहीं होता। ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, यहाँ पे जो लोग वोट देते हैं वो लीडर के नाम पे देते हैं और एक पर्सनैलिटी का करिश्मा चलता है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है और भी कई मुल्कों में ये मौजूद है। अभी हम तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ में शामिल नहीं हुए, तो जैसे हमारे रवैये होंगे वैसे ही सियासी जमातें होंगी। हम ये चाहते हैं कि हमारे रवैये तो इम्प्रूव ना हो लेकिन सियासी जमातें जो हैं वो बन जाएं जैसे कि बरतानिया या अमेरिका की सियासी जमातें। मुझे ज़रा इजाज़त दें, जी जी। जब बार बार की फौजी मदाखलत की गई है और बार बार सियासी जमातों के कत्ले बनाए गए हैं और वो जब कत्ले हो जाते हैं सियासी जमातों के, तो उनको वापस अपनी असल पे आने के लिए 12-15 साल का, 18 साल का, 20 साल का अरसा दरकार होता है। तो ये इस तरफ तो कोई तवज्जो नहीं देता और जिन्होंने कत्ले किए हैं वो इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। इसलिए मैं आपको बिल्कुल क्लियरली अर्ज करूँ। और एक और बात है, एक है कि नवाज शरीफ साहब ने गलतियां की होती या वो सियासत गलत करते या उनके फैसले ऐसे गलत होते कि वो पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए निकल जाते या मोहतरमा बेनज़ीर पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए निकल जाती, ऐसा तो नहीं हुआ। तो जब निकालने की कोशिश की जाएगी तो फिर उसका एक रद्द अमल होगा
اور لوگ اپنی قیادت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو یعنی کبھی بھی کوئی سیاستدان اگر نکلے تو سیاسی طور پہ نکلے, لیگلی قانونی طور پہ نہیں نکل سکتا. وہ لیگل قانونی تو کہا جا رہا ہے نا, یہ تو کہا جا رہا ہے نا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ہزار بار بات ہو چکی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ غیر فطری طریقے سے نکالا گیا. صرف انہیں نہیں, پاکستان کے ہر منتخب وزیر اعظم کو رسوا کر کے, اس کی تصحیح کر کے یا تذلیل کر کے یا اس پہ کرپشن کا ٹھپا لگا کے یا اس کے محب وطن نہ ہونے کا اس کو تانا دے کے نکالا گیا ہے. تو کیا سارے ہی ایسے تھے؟ نواز شریف صاحب آج جیل میں تو نہیں ہے نا, آج وہ بیٹھ کے ریلیاں نکال رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں, بیانات دے رہے ہیں. کوئی ایسی بات تو نہیں کہ خدا نخواستہ ان کی کوئی اس قسم کا انہیں ہٹ کیا گیا, انہوں نے غلطی کی اس کی وجہ سے وہ نااہل ہو گئے. آگے چلیں, آگے چلیں. غلطی میاں نواز شریف نے صرف یہ کی ہے, ان کی غلطی بڑی واضح ہے کہ وہ آئین کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کو آپ سپریم ادارہ سمجھیں. تو جب تک پارلیمنٹ کو اور آئین کو سپریم نہیں سمجھا جائے گا اس ملک میں یہ جد و جہد جاری رہے گی. وہ میاں نواز شریف صاحب کریں یا میاں نواز شریف کے علاوہ باقی لوگ کریں, اور بھی بہت سارے لوگوں نے یہ جد و جہد کی. نواز شریف صاحب کے سیاست میں آنے سے پہلے سے یہ جد و جہد جاری ہے, اور یہ ہمارے بعد اللہ کرے نہ جاری رہے اور ہمارے ہی زندگیوں میں اس کا ایک فیصلہ ہو جائے تاکہ ملک جو ہے وہ صحیح راستے پہ چل پڑے. آپ کی بات مجھے اچھی لگی, آپ نے کہا کہ آئین اور پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہونا چاہیے, بہت اچھی بات ہے. لیکن کیا آج کے ہمارے سیاستدان, اور اس میں آپ کی حکمراں جماعت بھی شامل ہے, کیا وہ خود بھی ایسے اقدامات کرتی ہے جس سے نظر آئے کہ آئین اور پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے؟ مطلب ایک جگہ پہ یہاں پہ آپ کی پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جناب گدی نشینی چل رہی ہے, نواز شریف صاحب کے بعد شہباز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب کے بعد یا مریم صاحبہ یا حمزہ شہباز شریف, ادھر بھٹو خاندان جو ہے وہ ایک ایک کر کے بھٹو ہی آگے چلتا ہے. تو یہ کیا جمہوریت ہے؟ یہ نہیں, یہ ملبہ ہم پہ نہ ڈالا جائے. اگر پیپلز پارٹی کا کیس جو میں نہیں لڑنا چاہتا, ٹھیک ہے, لیکن میری برادری تو ہے نا, سیاسی برادری ہے, اختلاف اپنی جگہ ہے. جی بھٹو مرحوم کو ڈال دیا پھانسی کی گیلوز پہ کھڑا کر کے قبر کے اندر, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کے ایک بیٹے کو اس روڈ کے اوپر مار دیا گیا, ٹھیک. مدعا ڈالنے کی کوشش کی گئی محترمہ بینظیر بھٹو پہ اور اس کو خوب بدنام کیا گیا, ٹھیک. اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو جو تھی ان کو بھی غیر فطری انجام سے دوچار کیا گیا. اس کے بعد کوئی یہ توقع کرے کہ پیپلز پارٹی والے کسی اور کو اپنا لیڈر مان لیں گے, یہ ان نیچرل ہوگا. اگر وہ بھٹو خاندان کے علاوہ کسی اور کو لیڈر مانیں گے, مجھے ذرا پوری میرا آرگیومنٹ کرنا چاہتا ہوں. بالکل کریں, بالکل کریں. یہ پاکستان کی جمہوریت کا مقدمہ ہے, افراد کا مقدمہ نہیں ہے. جب آپ سیاسی قیادتوں کو غیر فطری طریقے سے نکالیں گے تو تیار رہیے کہ پھر موروثیت کی سیاست کو طاقت ملے گی. اگر وہ فطری طریقے سے جائیں گے تو موروثیت کی سیاست کو طاقت نہیں ملے گی. اسی طرح شریف خاندان کبھی جلا وطن, کبھی جیلوں میں, کبھی ان کے کاروبار ضبط, آج تک کرپشن کا ایک مقدمہ آپ ثابت نہیں کر سکے. اب وہ مقدمے آپ کھول رہے ہیں جو عدالتیں جس کو ڈیسائیڈ کر چکی ہیں, انپریسیڈنٹڈ ہے نا. سو آپ تو خود مضبوط کرتے ہیں موروثیت کی سیاست کو. ہم نہیں کرنا چاہتے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری قیادت کو آپ رگڑا لگاتے جائیں, ہماری قیادت کو یا سیاسی قیادتوں کو, مجھے سیاسی قیادتیں کہنا چاہیے, ان کو غیر فطری طریقے سے نکالنے کی کوشش بھی کی جائے اور ساتھ کہا جائے جی یہ نااہل ہو گئے ہیں, یہ نامراد ہو گئے ہیں, یہ نالائق تھے, تو اب یہ ایک اور قیادت سامنے آ جائے گی. اچھی بات ہے آپ آغاز کرنا چاہتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی بات, سوچ بہت اچھی ہے آپ کی. 2014 میں جب دھرنا ہوا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کا ساتھ دیا تھا, بیٹھتے اکٹھے آپ لوگ پریس کانفرنس کرتے, بیٹھ کے کہتے کہ جناب آئیے, میں مانتا ہوں میں نے آپ کے ساتھ جہاں جہاں زیادتی کی, میں نواز شریف صاحب کے آپ کے کوٹس بتاؤں اگر انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے کیا کہے ہوئے, انگریزوں کے کتے نہلانے والی, ٹھیک ہے, یہ اس قسم کے الفاظ, زرداری کو ہم لوگ سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, اس قسم کے الفاظ. آئیے آپ وہاں سے آغاز کریں کہ ہم نے غلط کیا, اور اگر آپ کی ہم نے جماعت کے خلاف آپ کو ہٹایا 90s کے اندر, اگر ہم نے آپ کی گورنمنٹ کو ڈسمس کروایا تو اس میں ہمارا بھی ہاتھ تھا اور ہم غلط تھے. منصور صاحب میرا خیال ہے پھر آپ نے میثاق جمہوریت پڑھا نہیں ہے, مجھے اس کا جواب دینے دیں. جب COD ہوا تھا, چارٹر آف ڈیموکریسی, تو محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب یعنی دونوں جماعتوں کے درمیان غلطیوں کے اعتراف کے بعد فیوچر کا روڈ میپ طے پا گیا تھا. ہمارا قومی المیہ یہ ہے کہ بینظیر بھٹو صاحب کو اسیسینیٹ کر دیا گیا, سو سیاست کا توازن بگڑ گیا, اور جو ان کے جانشین تھے وہ انہیں ورثے میں تو مل گئی پیپلز پارٹی, مگر بینظیر بھٹو کی سیاسی روایت جو تھی وہ اس کا علم بلند کرنے والے لوگ نہیں تھے. ایک یہ, اچھا اب ہم ساری ذمہ داری ان پر ڈال دیں اور اپنے اوپر کچھ نہ لیں, یہ بھی درست نہیں ہے. یہ ماننا پڑے گا ہم سیاست دانوں کے بارے میں بھی, جو میرا گلہ ہے اپنی برادری کے ساتھ, اس میں میری اپنی پارٹی بھی شامل ہے, ٹھیک ہے, اس کو میں یہ نہیں کروں گا کہ بیل آؤٹ کر دوں گا, ٹھیک ہے. ہمیں بھی سوچ اس وقت آتی ہے جب ڈنڈا سر پہ پڑتا ہے. بہت شکریہ, جو بات آپ کہہ رہے ہیں, میں نے یہ پہلی بار نہیں کہا. اچھا
ये तो मैं बार बार कहता हूँ, अंदर भी कहता हूँ, बाहर भी कहता हूँ। आपकी सुनता कोई नहीं है, ये बात मसला ही है। मुझे आपकी बात अच्छी लगती है, आप एक्सेप्ट करते हैं मिस्टेक्स को, लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि आपकी पार्टी के अंदर आपकी बात नहीं सुनी जाती। अल्हम्दुलिल्लाह सुनी जाती है, असल बात है अमल दरामद की, सुनी तो जाती है, अमल भी बाज़ुकात होता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि हम सियासतदान जो है ये हम हमारी एक मुश्तरका बीमारी समझ लें। हाँ। ये हमें भी लाहक है। हाँ। पीपल्स पार्टी को भी, और खैर से पीटीआई को तो बदरजा अतम लाहक है कि जब हमें सर पे पड़ती है, और बाकी सियासी जमातों के भी यही हालात है। हाँ। तो हमें जब मालूम है कि ये एक मुल्क है, या ये खतरात है, खतरात वेल डिफाइंड है, रेड लाइंस का सबको पता है, ठीक है, तो हम उसकी तैयारी कोई नहीं करते। अच्छा। और जब खतरा आ जाता है सामने, सर के ऊपर चढ़ जाता है, तो कहते हैं देखे जी खतरा आ गया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की आपने बात की, जब मियां साहब मेमो गेट के अंदर काला कोट पहन के अदालत गए थे तो कह दें वो गलत था, वो गलत किया। तो जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को हटाया गया तो मियां साहब ने उनको कहा कि जनाब आप नाअहल हो चुके हैं, अब आप नहीं बैठ सकते, कह दें वो गलत हुआ नहीं, कह दें आइए आगाज करें वहां। एक मिनट, जो तो मेमो गेट पे गए थे तो उसको तो हमने जमात में कभी सपोर्ट नहीं किया, और मीडिया पे भी मैं पहली बार नहीं कह रहा, मैं भी नहीं समझता हूँ कि वो मशवरा दुरुस्त नहीं दिया गया था मेमो गेट पे जाने वाला अदालत के अंदर, और ये पहली बार नहीं कहा, पहले भी कह चुके हैं। अच्छा। जहाँ तक यूसुफ रजा गिलानी साहब को निकालने का ताल्लुक है, तो PMLN को हम निकलवाने वालों में बिल्कुल शामिल नहीं थे, क्योंकि वो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे वो चीफ जस्टिस कम थे, और उनका पर्सनल वेंडेटा बहुत ज़्यादा था, जो बाद में एक्सपोज हो गए बहुत बुरी तरह, और आज उनका कोई नामो निशान नहीं मिलता किधर गए वो साहब। लेकिन जब गिलानी साहब को निकाला जा रहा था तो उनकी सियासत से इख्तलाफ के बावजूद और तर्ज हुक्मरानी से, हमें बतौर जमात उस पर अफसोस का इजहार करना चाहिए था। मैं अकेला ही आदमी था शायद मुस्लिम लीग नून में जिसने मीडिया पर आके कहा था कि इस पर बगलें बजाने की और खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक और दरवाजा खुल गया है मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजने का। मैं वही बात कहूंगा कि ये आपकी सोच है और आपकी पार्टी की सोच नहीं है, आपकी पार्टी इस तरह नहीं सोच नहीं, मेरी पार्टी की भी सोच है, लेकिन शायद जो लोग सोचते हैं वो हर बात हिम्मत के साथ कहने के लिए एक खास चाहिए होता है, एक जौहर चाहिए होता है, वो बहुत सारे लोगों में होता है, बाज़ लोगों में नहीं होता। ठीक है। ये नहीं है कि बुरे को बुरा नहीं समझा जाता, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हर पार्टी में बुरे को बुरा कहने वाले मौजूद हैं। हमारे सारे दोस्त हैं भाभी हैं ना, जो हर पार्टी में पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकोज हैं, तो कहते हैं PTI में हमारे दोस्त मिलते हैं कि यार हमारे लीडर ने ये काम ठीक नहीं किया, हम भी कहते हैं हमारी पार्टी ने काम ठीक नहीं किया, लेकिन ये कह देना ग्रेड्स हैं, एक तो दिल से बुरा मानना, इसका इजहार ना करना, क्यों रابطہ कर रहे हैं जमात, क्यों रابطہ कर रहे हैं सरदारी साहब, एक है जमात में इजहार करना और एक है मीडिया पे, मीडिया पे हर वक्त आके इस तरह से बात करनी भी नहीं चाहिए अपनी पार्टी के बारे में, पार्टी के अंदर टिका के बात करनी। अच्छी बात, बिल्कुल बंद कमरे में करें, जरूर करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, जो नहीं करते वो जमात के दोस्त नहीं होते। तो फिर चौधरी सार साहब गलत कर रहे हैं कैमरे पे आके इस किस्म की बातें कर रहे हैं पार्टी के बारे में? देखिए मेरा इस सारे मामले से चूंकि गहरा ताल्लुक है, ये जो भी एक कुछ फासला हुआ फिर कुर्बत हुई, इसलिए मैं इस सारी गुफ्तगु पे जो चॉइस साहब ने की है मैं अपने जो कमेंट्स हैं वो महफूज रखता हूँ। आपकी आपका राइट है, लेकिन मेरा सिर्फ ये सवाल है कि वो किस किस्म की कुर्बत है कि वहाँ से तो गोलाबारी बंद ही नहीं हो रही, वो तो हर जहाँ पे वो मीडिया को खुद इकट्ठा करते हैं, मैं बताता हूँ ऑन कैमरा बताता हूँ, वो खुद जर्नलिस्ट को आजकल 4-5-6 जर्नलिस्ट को बुलाते हैं और बैठ के उसके बाद रोज़ के हिसाब से वो एक नई चीज़ उनको फीड करते हैं और उसको कहते हैं जाओ जाके छापो ये, और वो सारा का सारा या तो मियाँ साहब के खिलाफ है या वो मरियम के खिलाफ है, असल तो जो हिटिंग हो रही है तो मरियम को हो रही है। तो मैं इसकी बिल्कुल तर्दीद करता हूँ, ये नहीं है कि रोज़ के रोज़ बुलाया जाए और ये उनको कोई मसाला या बारूद दिया जाए, ये दुरुस्त नहीं सर, 3 दिन से हो रहा है। दूसरी बात ये, एक मुझे बोलने दे खास जी, दूसरी बात है उनकी कल की जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले गौर से उसको पढ़ ले, तो अगर आपने कल की सुनी होती तो आज ये सवाल अपना करते हैं। अब अगला चलें सवाल। अच्छा, आप उसको नहीं, उसको डिस्कस नहीं करना चाहते इस इशू को? उन्होंने कल कहा है कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी सदारत पे कोई बहस ही नहीं है, उन्होंने कहा मैं PMLN के टिकट से कंटेस्ट करूंगा। कल उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहब का डॉन लीग से कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक है। बाकी देखिए जब 30-35 साल एक पार्टी में हो जाए आपको बहुत सीनियर पोजीशन में, तो फिर सेंसिटिविटी लेवल भी इंसानों का जो है वो बढ़ जाता है, हम इंसान ही हैं। ठीक है। तो फिर बंदे की फीलिंग्स भी जो है वो ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है। एक आदमी के 5 साल लगे हैं पार्टी में, एक आदमी है जो आता चला जाता है, एक आदमी है जो आपके साथ 3-4 दहाइयों से चलता है, तो उसकी फीलिंग्स और उसकी फिर असेसमेंट्स जो है बाज़ुकात वो बाकियों से डिफरेंट होती हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब 80s के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बागदौड़ संभालने लगी थी तो उनको बहुत से अंकल्स ने परेशान किया था, कुछ ऐसी सूरत हाल तो नहीं बन रही पार्टी के अंदर? मरियम साहिबा अगर उनकी लॉन्चिंग हो गई है तो उनको 2-4 अंकल्स हैं जो कुछ अंकल्स इस तरफ खींच रहे हैं, कुछ अंकल्स उस तरफ खींच रहे हैं? नहीं, वो डिफरेंट सिचुएशन थी। मोहतरमा जब आई थी, जब उनके वालिद जो थे उनको कन्विक्शन कर दी गई थी और उसके बाद उन्होंने पार्टी संभाली जब उन्हें असैसिनेट कर दिया। जी जी। मुस्लिम लीग नून में एक तो ये अल्लाह रहम करे ऐसी कोई सूरत हाल ही नहीं है, दूसरे यहाँ मियाँ नवाज शरीफ के बाद नेचुरल लीडर इसलिए नहीं कि उनके सगे छोटे भाई हैं,
अपने काम की बुनियाद पे उनके शहबाज शरीफ की पॉलिटिकल स्ट्रगल भी कम नहीं है किसी से, ठीक है, और उन्होंने अपने आप को साबित किया एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे, एक मॉडल डेवलप किया उन्होंने, तो शहबाज शरीफ पार्टी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं हमारे। कितने लोग हैं जिनको ये फैसला हो गया है कि 2018 के इंतखाबात में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म होंगे? नहीं, अभी ऐसा फैसला एकदम नहीं है, मैं मुझे बोलने दे रहा जी। तो एक तो ये कि हमारे पास तो नवाज शरीफ साहब के बाद शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं और एक तजर्बे के साथ, ठीक, जिस पे उनके तजर्बे पे कोई उंगली नहीं उठा सकते, ठीक है, ठीक। तीसरी बात यह है कि मरियम नवाज साहब हों या हमजा शहबाज साहब हों, ये बच्चे नहीं हैं, इन्हें बच्चा बच्चा कहना ठीक नहीं है। हमजा ने 18 साल की उम्र में जेल पहली काटी थी, लोगों को याद ही नहीं है, ठीक। मरियम नवाज जो है उसने जलावतनी का अजाब झेला था 99 में, अब 2017 18 साल पहले, ठीक है, और तकलीफें काटी हैं अपने माँ बाप के साथ। हमजा पिछले 8-10 साल से मुसलसल पार्टी की जो पंजाब की पॉलिटिक्स है उसमें अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं और कई कई घंटे काम करता है खामोशी से, सामने नहीं आते। और इसी तरह मरियम नवाज साहबा ने भी पार्टी का एक कारकुन बन के काम किया, ये भुट्टो खानदान नहीं है, प्लीज इसको समझा जाए, इनके ये मिडिल क्लास के लोग हैं जो मेहनत करके इस पोजीशन में आए हैं, इनकी अंदर से मिडिल क्लास का जो एलिमेंट है वो बाहर नहीं निकला। कौन मिडिल क्लास के लोग हैं? नवाज शरीफ मिडिल क्लास से ही आए हैं ना, और कहां से आए हैं? अपर क्लास से मैं तो मरियम और हमजा की बात, मिडिल क्लास से रूट होके आए हैं ये लोग। यार मुझे इजाजत दें खान साहब, बोले बोले बोले, ये कोई गुनाह तो नहीं है ना कि एक स्ट्रगल करे दादा, उसके बाद माँ बाप मेहनत करें और आप वेल ऑफ हो जाए, तो वेल ऑफ होना कोई गुनाह है? ये इल्जाम तो ना बना दिया जाए कि एक आदमी जो है वो जद्दोजहद करके उसने अपनी हालत बेहतर की है। 30-35-40 साल में अगर किसी की हालत बदलती है और उसके अगेंस्ट कोई सबूत नहीं है तो उंगली उठा के हाथ उठा के कह दें तुम चोर हो क्योंकि तुम पॉलिटिक्स में हो, ये कौन सुनेगा? नवाज शरीफ से साहब मांगते, यानी लेट 50s में ये उनकी फाउंड्री लग गई थी इत्तफाक की, वो गवर्नमेंट कॉलेज में थे नवाज शरीफ, करप्शन से लगाई थी। ये जो मॉडल टाउन के घर हैं, 12-12 कनाल का घर है, सात घर सात भाइयों के, ये 60s में बन गए थे। नवाज शरीफ अब पॉलिटिक्स में आए 80s के अंदर। मैं उनका कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूँ कि उनका एक एक हिसाब रखूं कारोबार का, लेकिन लाहौर के लोगों को पता है कि ये कब से खाते पीते लोग हैं। जद्दी पुश्ती हैं? नहीं, वो नहीं कहता जद्दी पुश्ती हैं, उनके वालिद और उनके मियां साहब के वालिद और उनके जो ताए चचे हैं उनसे पहले दौलत नहीं थी, उसका कभी इजहार नहीं करते। सात भाइयों ने काम किया। अच्छा जरा मैं इस पे असल में बात, एक ब्रेक ले लूं, आप ब्रेक के बाद दोबारा कंटिन्यू कीजिएगा। नाज़रीन, ख्वाजा साद रफीक साहब, गुफ्तगू हो रही है मरियम नवाज साहब और हमजा के दरमियान, कोई कश्मकश भी है या नहीं है पार्टी के बागदौड़ के हवाले से? उनका कहना, उनको बच्चा कहना छोड़ दें, वो एक पार्टी के कारकुन है, मेहनत कर रहे हैं, अब ये मेहनत किस हद तक रंग लाएगी और हर दफा ये मेहनत किसी न किसी शरीफ खानदान के शख्स के लिए ही काम क्यों करती है? ख्वाजा साद रफीक साहब क्यों नहीं किसी दिन पार्टी के सदर बन सकते? सवाल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू द पॉइंट, में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। ख्वाजा साद रफीक साहब आज हमारे मेहमान हैं। ख्वाजा साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप गुफ्तगू कर रहे थे कि ये मिडिल क्लास से उभरने वाला एक खानदान है और आज उसके बाद मेहनत कर रहे हैं दोनों, हमजा और मरियम, उनके अपनी अपनी जो है वो एक मेहनत है। सर, ये कैसे कारकुन हैं, कैसे आम कारकुन हैं जिनके साथ इतना बड़ा बड़ा प्रोटोकॉल साथ चलता है? और आज मुझे ख्वाजा साद रफीक हों, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों, चौधरी निसार अली खान हो, परवेज़ रशीद हो, इनमें से कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं कल को मुस्लिम लीग नून का सदर बन सकता हूँ? देखिए मंसूर साहब, नंबर एक, मरियम नवाज साहब हो या हमदा शहबाज साहब हो, उनका वक्त अपने वक्त पे आएगा, अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे, वो अपनी जद्दोजहद करते रहे, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि अब मैंने गुजारिश कर दी कि अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ साहब मौजूद हैं, शहबाज साहब मौजूद हैं और बाकी के बाकी लीडर्स पार्टी के वो भी मौजूद हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ जो है ये नहीं होता कि बच्चे कमांड कर रहे हैं, जिन्हें बच्चा कहा जा रहा है, मैं तो उन्हें बच्चा मानता नहीं हूँ क्योंकि वो खुद बाल बच्चेदार हैं, बच्चे के कमांड तो कर रहे हैं ना जी, कमांड तो कर रहे हैं। नो, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं है। NA-120 नहीं, तो NA-120, अच्छा यही रुक जाए, NA-120 पे मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कमांड कोई और करेगा आके जहाँ मैंने इलेक्शन लड़ना है? ये नेचुरल रिक्वायरमेंट है कि NA-120 में अगर बेगम कुलसूम नवाज शरीफ ने इलेक्शन लड़ना है और वो उनकी तबीयत नासाज है, वो जेरे इलाज है, तो उनकी बेटी ने या बेटे ने ही जाके उनकी कैंपेन चलानी है और पार्टी सपोर्ट करेगी। ये पाकिस्तान की हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन इस तरह लड़ा जाता है इसका, और उसके ये बिल्कुल नेचुरल था। अगर हम मरियम नवाज को वहां ना भेजते तो वहां कौन जाके कैंपेन करता? बतौर MNA और वजीर आप कैंपेन नहीं कर सकते। डॉक्टर यास्मीन राशिद के किसी बच्चे का नाम आपको आता है? नहीं नहीं, आपको पता है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब जो है वो भी एक सियासी खानदान से हैं। मैं जानता हूं, आई नो हिम, तो आई नो, आई नो द फैमिली, और बड़े अच्छे खानदान से मैं जानता हूं। तो पीपल्स पार्टी, पीपल्स इजाजत देना पीपल, नहीं मेरा कहने का मकसद, मैं कमांड की ये बात भाई, वो खुद भाई भैया वो खुद इलेक्शन लड़ रही थी ना फिजिकली, उनको अल्लाह ताला सेहत दे, जिंदगी सलामती दे, वो मौजूद थी,
कल्सूम नवाज मौजूद नहीं थी। मरियम साहिबा का किस चक्कर में पीटीवी उनको कट करता था जब वो स्पीच करती थी, आप मुझे बताइए। ये कमांड नहीं है तो अच्छा, और क्या है? स्टेट चैनल है, अगर उसने मरियम नवाज को कट किया तो मैं समझता हूँ कोई बुराई नहीं है। 20 टीवी चैनल हमारे पीछे लगाए हुए हैं गालियां देने के लिए, वो किस चक्कर में गालियां देते हैं? सारा दिन झूठ बोलते हैं और झूठ का एक पूरा एक नैरेटिव तैयार करते हैं। 20 चैनल आपको गालियां देते हैं, लगाए हुए इस काम पे और लगे हुए हैं। कोई घी बेच रहा है, कोई सोना बेच रहा है, जिनका कोई तजर्बा नहीं है, कोई टेक्सटाइल मिलर्स आ गए हैं आके टीवी चैनल्स आपने खोले। तो बिजनेस है ना, तो बिजनेस अगर बिजनेसमैन नहीं, यहाँ पे बिजनेसमैन पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, ऐसे नहीं कर रहे हैं ना। नून लीग के अंदर कितने, नून लीग के अंदर कितने कितने बिजनेसमैन बैठे हैं, माइंड ना करें जब आप। नहीं माइंड मैं तो कह रहा हूँ, कर रहे हैं, हौसले से मेरी बात कह रहा हूँ ना, कर रहे हैं, हौसले से सुने मेरी बात ना। सेठों का मीडिया है ये। अच्छा। आप जैसे जो अच्छे लोग हैं, जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, उनकी कोई पॉलिसी नहीं है। अब ये नहीं मुमकिन, मेरी ये बात बिल्कुल नोट करें, बिल्कुल मैं डंके की चोट पे कहता हूं, ये नहीं होगा कि चैनल पीछे पड़ जाएं, सेठों को पीछे डाल दिया जाए और हमारी तरफ से जवाब नहीं आए, ये नहीं होगा। जवाब आएगा, नहीं जवाब देना आपका राइट है, जो हमारे पास में होगा हम करेंगे। तो इसलिए पीटीवी कट कर रहा है, पीटीवी कट करता ठीक करता, मुझे कोई इस पे वो नहीं, उसमें कोई मसला नहीं, कोई माजरत खान। कल को अगर किसी और की हुकूमत आई वो ये कर रहे हैं तो वो भी ठीक है। तो भाई स्टेट देखिए ना, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को सारे पड़ जाओगे, गवर्नमेंट ने अपने आप को डिफेंड नहीं करना, अपना नैरेटिव नहीं देना। मुस्लिम लीग मरियम नवाज शरीफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का एक तरह से हिस्सा ही है ना जी, उनके वालिद वजीर आजम थे कल तक, हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग है कि किसी और पार्टी। ये वो जमहूरियत है जिसकी मैं बात कर रहा था भाई, पाकिस्तान जिसकी मैं बात कर रहा हूं। खान साहब नहीं, आप गलत है, मैं आपके मुंह पे कह रहा हूं, आप गलत। बताइए बताइए, आप लोगों की असेसमेंट ही ठीक नहीं है। बताइए किस, आप वो लोग हैं जो सियासतदानों को निचोड़ते हैं। अच्छा, आपका मतलब आप नहीं, ठीक है, सियासतदानों को निचोड़ते हैं और आप एक मिसाली जमहूरियत चाहते हैं, एक ऐसे माशरे में जहां ताकतवर जो है वो हर तरफ से जमहूरियत का गला घूंट रहा है। ठीक है, तो जब गला घूंटोगे और हमसे फेयर प्ले की तवक्को करते हैं और सारे अनफेयर प्ले हमारे साथ किए जाते हैं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलना भी नहीं चाहिए। जवाब दे दिया जितना। चले आगे चले, आपने जब मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की लंदन के अंदर, उसके बाद आपने ये इस खबर की तस्दीक की कि हाँ जनाब फैसला हो गया है, अब मरियम साहिबा और हमजा की जानिब से किसी किस्म का कोई बयान नहीं आएगा, बयानबाजी नहीं होगी, शहबाज शरीफ साहब का फैसला कर लिया गया 2018 के अंदर, वो वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार होंगे अगर नवाज शरीफ साहब ना अहल करार पाते हैं। उसके तीन दिन के बाद मरियम साहिबा ने बैठ के पूरा एक इंटरव्यू दे दिया। मेरा स्टेटमेंट जो है गौर से सुने, मैंने ऐसी बात नहीं की, मैंने ये कहा था कि पार्टी की पॉलिसी स्टेटमेंट देना जो है उसकी इख्तियार पार्टी लीडरशिप को है और उसके बाद पार्टी के ऑफिस बेयरर्स को या पार्टी के बाकी लीडर्स को है। ठीक, क्यादत का मतलब है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ। ठीक, इसका यह कतई मतलब नहीं है कि हमजा शहबाज या मरियम नवाज पार्टी के हवाले से कोई बात नहीं कर सकते, कोई जबान बंदी नहीं है। okay. ये पता नहीं बाज टीवी चैनल्स पे किधर से खबर आ गई थी कि तीन लोगों की मीटिंग हुई है, मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज साहब और शाहिद साहब, और अभी मीटिंग खत्म हुई है तो चलना शुरू हो गया, ये अंदरूनी कहानी है। सॉरी, तो आप सोर्सेज चेक करें ना, कौन दे खबर? नहीं, कोई अंदरूनी कहानी नहीं थी, अपने तौर पे टेबल स्टोरीज बनती हैं, हम कोई नए तो नहीं इस काम। चलें चलें, ये बात साल हो गए हैं काम करते। 2018 के लिए ये तो फाइनल हो गया कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम होंगे अगर आपकी पार्टी जीती तो? देखिए ऐसे नहीं है। अच्छा, ये एक जमहूरी जमात है, ये नहीं है कि तीन आदमी मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज साहब और शाहिद साहब बैठ के एक फैसला कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, गुजारिश ये है कि नेचुरली ये नजर आता है फितरी तौर पे कि बड़े मियां साहब अगर कॉन्टेस्ट नहीं कर पाते तो शहबाज साहब एक फितरी और बेहतरीन उम्मीदवार है, ये फील हमारी पार्टी में हर जगह मौजूद है। ठीक है, इस पर कहीं डिवीजन नहीं है। ये तो वही फील है जो पार्टी सदर बनाने के हवाले से थी? नहीं, पार्टी सदर ऐलान किया था? जी नहीं, पार्टी सदर बनाने का कभी शहबाज साहब को ऐलान नहीं किया गया था, ना शहबाज साहब उसके खां, ना शहबाज साहब को पार्टी सदर बनाने का कभी सवाल डिस्कस हुआ मौजूदा दौर में। अच्छा, पहले रहे हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, ये अपने तौर पे शोशे छोड़े गए थे। अच्छा, ये हमारे अजहान और दिमाग में मौजूद था। अच्छा, जब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि वो एक रास्ता है जिस रास्ते पर भी लेटर ऑन हम चले और हम लेजिस्लेशन करके मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाएंगे, तो जब ये हमारे जहनों में मौजूद थी बात, तो शहबाज साहब जो थे उनका तो नाम सदारत के लिए डिस्कस नहीं हुआ। ठीक है, ये भी जो शोशे छोड़े जाते हैं उनमें से एक था। तो आप इस खबर की तर्दीद कर रहे हैं कि अभी ये किसी किस्म का कोई फैसला नहीं हुआ? मैं फिर ये फील है, फैसला नहीं हुआ। मैं फिर ये कह रहा हूं कि जमात की क्यादत में, जमात के पॉलिसी मेकर्स में, जमात की हायरार्की में ये इस बात पे इत्तफाक है कि अगर नवाज शरीफ साहब कॉन्टेस्ट नहीं कर पाते तो शहबाज शरीफ साहब बेस्ट चॉइस होंगे। तो वो उसमें तो फिर मतलब क्लियर हो गया ना कि मरियम या हमजा या किसी किस्म का और कोई शख्स जो है वो इसके लिए उम्मीदवार नहीं होगा। मरियम नवाज शरीफ साहबा वजारत उज़्मा के लिए कभी उम्मीदवार नहीं थी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इस हवाले से मेरे इल्म में नहीं है कि शरीफ खानदान में कभी कोई डिस्कशन भी हुई हो या पार्टी में। ठीक,
یا میاں نواز شریف صاحب نے بھی کبھی اس خواہش کا اظہار کیا ہو, مریم کی جانب سے تو اس خواہش کا کبھی اظہار کیا ہی نہیں گیا, کیونکہ وہ ایک ڈسپلنڈ خاندان ہے اور وہاں پہ جب ان کے بزرگ اور بڑے موجود ہیں اور وہ الحمدللہ ایکٹیو پالیٹکس کر رہے ہیں, تو جو نوجوان ہیں جو سیکنڈ لائن آ رہی ہے وہ اپنے بڑوں کو کراس نہیں کرتے, یہ اس خاندان کا ایک اصول ہے. میں اگر ایک سورسز کے حوالے سے خبر آپ کے ساتھ, آپ اس کی تصدیق کریں یا تردید کریں, آپ کی مرضی ہے. یہ حقیقت ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے ارد گرد جو لوگ ہیں جو ان کے میڈیا سیل سے تعلق رکھتے ہیں یا جو بھی ان کے قریب سمجھے جاتے ہیں, آپ کی پارٹی کے سینئر لوگ جو ہیں وہ ان سے تنگ آئے ہیں, ان سے ناراض ہیں؟ یہ بات بھی درست نہیں ہے. ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, ہم فیڈرل منسٹرز جو ذرا ہم پرانے لوگ ہیں یا جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ سینئرز ہیں, جب ہم وزارتوں کے کاموں میں الجھ گئے اور ہم میڈیا پہ جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے, ہمارے پاس وقت ہی نہیں تھا پچھلے 3 سالوں میں جی یا 4 سالوں میں, تو پارٹی کو ایک سیکنڈ لائن کھڑی کرنی پڑی, کیونکہ پی ٹی آئی کی جانب سے, پی 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 کی جانب سے اور ان سین جو سائڈس تھیں ادھر سے حملہ آ رہا تھا بار بار میڈیا کے ذریعے اور بے پناہ آ رہا تھا, بول پاک اے آر وائی بے شمار چینل اس کام پہ لگائے, نہیں میں لوں گا نام کیوں نہیں لوں گا, یہ تھوڑی ہوگا میں لائیو پروگرام میں بھی نام لوں گا. نہیں آپ کی مرضی, ٹھیک میرا رائٹ ہے, آپ نہ دکھانا چاہیں, میں آپ کی کوئی چیز کٹے گی نہیں, بڑی مہربانی, کھل کے بولیے. تو جب اس طرح کے چینلز جو ہیں وہ ایک ہی دھندا کریں گے, تو ہمارے پاس لوگ جو اے ٹیم تھی ہماری وہ لگی ہوئی تھی یہ اپنی اپنی وزارتوں کے کام سیدھے کرنے میں, اور وہ بڑا دقیق کام تھا, تو پھر ایک سیکنڈ لائن سامنے آئی, اس کو نیچرلی آنا تھا, خلا کبھی نہیں رہتا. یہ نہیں ہوگا کہ خواجہ سعد رفیق یا میری سطح کے باقی لوگ تو ہم کہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے میڈیا پہ جانے کا, ہم اپنی وزارتیں سنبھال رہے ہیں اور پارٹی منہ دیکھتی رہے. آبویسلی آپ اگر مجھے بلاتے ہیں, میں نہیں اویلیبل, تو آپ پی ایم ایل این کے کسی اور آدمی کو بلائیں گے, آپ نے تو اپنے شو میں ایک توازن قائم کرنا ہے. سو وہ سیکنڈ جو ٹیم تھی بی ٹیم وہ ایمرج کی ہے, تو جب بی ٹیم ایمرج کرتی ہے تو ہر جگہ پہ تھوڑا بہت سیٹلمنٹ کے مسائل ہوتے ہیں, وہ سیٹلمنٹ ہو گئی. ویل پلیڈ ہے سر. ناظرین, خواجہ سعد رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑا خوبصورتی سے اس وقت کور ڈرائیو وغیرہ کھیل رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس چند اور باؤنسرز بھی ہیں, کچھ اور گگلیاں بھی ہیں, وہ خواجہ صاحب کے سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دی بریک, خواجہ سعد رفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ صاحب, فواد چودھری صاحب کا آج ایک بیان آیا, انہوں نے کہا کہ جناب سارے مل کے اسمبلیاں توڑتے ہیں اور نئے الیکشنز کال کرتے ہیں, اور اگر آپ لوگ سارے مل جاتے ہیں تو ہمیں اگر آپ چیلنج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کے پی کے کی اسمبلی توڑنی ہے تو توڑ دیں. ڈی لمیٹیشنز آپ لوگوں کی ہوئی نہیں ہوئی, الیکشنز کے حوالے سے یہ ہوا ہے کہ جناب آگے جانے والے ہیں, شاید ڈیلے ہو جائیں گے, ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی آوازیں بھی آتی ہیں اسلام آباد سے, کیا پلان ہے, کیا ہونا کیا ہے اب آگے؟ میرا خیال ہے بعض جگہوں پہ یہ ڈیزائر موجود ہوگی بعض لوگوں کے ذہن میں کہ کوئی ایسا نظام آ جائے, یہ آج کی خواہش نہیں بڑی پرانی خواہش ہے, اور یہ لوگ کچھ چلے جاتے ہیں کچھ ہی خواہش لے کے آگے چلے گئے, کچھ خواہش لے کے پھر آ جاتے ہیں کہ ان سیاستدانوں سے جان چھوٹ جائے اور آگے چلے گئے, مطلب کچھ لوگ اپنے اپنی زندگی کی اننگ کھیل جاتے ہیں پھر اور لوگ آ جاتے ہیں, تو وہ کچھ لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں اس ملک میں ہما وقت کہ یہ سیاستدان سارے برے ہیں, تو اگر پروفیشنلز کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ حکومت چلائیں اس میں کچھ ریٹائرڈ لوگوں کچھ ادھر ادھر سے پکڑ کے تو ایک نظام چلے, تو یہ کوئی پہلے ہی بات کہ اس وقت سب سے سیریس ایشو یہ ہے نئی مردم شماری ہو چکی, ٹھیک ہے, اب یہ آئینی ریکوائرمنٹ ہے کہ چونکہ سیٹیں اوپر نیچے ہو گئی ہیں پنجاب کی کم 2 صوبوں کی زیادہ, تو اب ہم ایک مل کے سب لوگ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے مردم شماری کے مطابق نشستوں کا تعین کر لیں, ٹھیک ہے, اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کسی, کیونکہ پنجاب کی سیٹیں کم ہوئی ہیں یعنی ہماری سیٹیں کم ہوئی ہیں, تو ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ایک فیئر پلے ہونا چاہیے. اب پیپلز پارٹی کو جسے ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی سوجھ بوجھ کافی ہے, اور آج کل پتہ نہیں زرداری صاحب کو کیا چیز سونگ گئی ہے کہ وہ بجائے کوئی سینسیبل بات کرنے کے وہ کسی اور ہی طرف جا رہے ہیں جو سمجھ نہیں آ رہی ہے, تو چاہیے یہ کہ فوراً سب مل کے پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں تاکہ جو عام انتخابات ہیں وہ مقررہ وقت پر ہوں, ٹھیک ہے, ہم مقررہ وقت پر چلے جائیں, مقررہ وقت پہ کیئر ٹیکرز آ جائیں اور پھر ووٹ کے ذریعے لوگ جسے مرضی آگے لے. یہ زرداری صاحب کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, مریم صاحبہ بھی اس دن انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں یہی بات کی کہ جناب وہ کسی اور کی زبان بول رہے ہیں, آپ نے بھی کہا انہوں نے پتہ نہیں کیا چیز سونگ لی ہے, سر اس قسم کے بیانات دیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی فون اٹھائے گا آپ کا کبھی؟ نہیں, بات یہ نہیں کہ ہمارا ذاتی کام تو نہیں نا, ہم نے کوئی زرداری صاحب سے کوئی ہمیں کوئی ذاتی ریکویسٹ نہیں کر رہے, نہ کوئی ایسی لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں جس کا ہمیں فائدہ ہو, ان سے ہم ووٹ مانگ ہی نہیں رہے اس طرح کا, ٹھیک, وہ اپنے تئیں خود ہی کہے جاتے ہیں مجھے فون آتے ہیں میں اٹھاتا نہیں میں جواب نہیں دیتا. نہیں, یہ تو حقیقت ہے, حامد میر صاحب نے دکھایا بھی,
सियासत में रابते होते रहते हैं, जितने नजर आते हैं उससे 10 गुना ज्यादा रابते होते हैं। वो तो है, वो तो हमेशा होते हैं, होते हैं, हर एक के साथ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये बड़ी कम जर्फी की बात होती है कि अगर मैं ये कहूँ, मैं अपना नाम ले लेता हूँ, हाँ। कि मंसूर खान साहब ने मुझे फोन किया था, मैंने जवाब ही नहीं दिया, नहीं दिया, ना हाँ। दे जवाब नहीं। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, मैंने इस्लामाबाद में रात के वक्त कई पीटीआई और नून लीग के लोगों को इकट्ठे खाना खाते देखा, वो जगह तो वो बैठे हैं, दोस्त यार बैठे हैं, अच्छी बात है, बैठना चाहिए। जब तक पॉलिटिशियन एक दूसरे से फ्रेंकली बातचीत नहीं करेंगे, इंटरेक्ट नहीं करेंगे, कई गलतफहमियों का अजाला हो जाता है, बिल्कुल ठीक। तो मामला ये है कि पीपीपी और पीटीआई को, पीटीआई को तो वैसे ही बड़ी जल्दी है, वो तो कहते हैं ये 6 महीने भी ना गुजरे सुबह इलेक्शन करा दो। तो कोई उनको ये बताए कि भाई तुम तो हुकूमत बना के बैठे हुए हो ना 2018 में अपनी, इलेक्शन होंगे तो बनेगी ना, ठीक है, अगर बननी भी है तो, हाँ। तो उसके लिए आओ मिलके एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं ताकि डीलिमिटेशन यानी हल्का बंदियां टाइम पे हो और उसके बाद मुल्क में इलेक्शन हो जाए, तो इसमें कौन सी गलत बात हम कर रहे हैं? आप पे ट्रस्ट नहीं करते, वो हमारे पे ट्रस्ट ना करें ना भाई, उन्होंने तो अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू भी कर दिया। मंसूर साहब बात सुने ना, हम कब कहते हैं भाई हम पे ट्रस्ट करो या हम आप पे ट्रस्ट करें? ट्रस्ट का इशू नहीं है ना, ठीक है, इशू यह है कि मुल्क में इलेक्शन होना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए हल्का बंदियों की जरूरत है, अगर जरूरत है तो एक आईनी तरमीम करनी पड़ेगी हमारे पास। आप लोगों की कोशिश है कि सेनेट के इलेक्शंस क्रॉस हो जाए। हमारे पास नहीं यार, बात सुने ना, हमारे पास वोट नहीं है आईनी तरमीम के लिए, ठीक है। मुस्लिम लीग नून अकेली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं ला सकती, नहीं ला सकती, हमें पीपल्स पार्टी का या पीटीआई का साथ मिलेगा तो आईनी तरमीम होगी, सो ठीक है। अगर आईनी तरमीम ना हुई और उसके नतीजे में हल्का बंदियां डिले हुई और इलेक्शन लेट हुए तो उसकी जिम्मेदारी उन पर आएगी जो अवॉइड कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। हम नहीं कर रहे, हम बुला रहे हैं, आवाजें दे रहे हैं। ऑफिशियल इनविटेशन दिए हैं आपने दोनों पार्टियों को? ऑफिशियली उनसे बात की है या सिर्फ प्रेस के जरिए? कल फिर मीटिंग है ना? अच्छा, कल भी स्पीकर साहब ने बुलाया हुआ है एमकेएम को भी और स्टेटिस्टिक्स वालों को भी और इलेक्शन कमीशन को भी, मुसलसल बात कर रहे हैं, बात भी वो मान हमसे कर रहे हैं, यानी कि बात नहीं कर रहे, लेकिन हमने उनको ये कहा है कि भाई मेहरबानी करके इसको समेटो। और लेकिन अब सिंध के हल्के उतने ही हैं, सिंध को इतराज़ पंजाब में तब्दीली है, बलोचिस्तान में, और बलोचिस्तान में ऐड हुआ है, हाँ। केपीके में ऐड हुआ है, इस्लामाबाद भी है, इस्लामाबाद में एक सीट, एक सीट है। पंजाब की 9 सीटें कम हो गई। इतराज तो हमें होना चाहिए था, हाँ। कि भाई ये क्या हुआ है, जब हम इतराज नहीं कर रहे तो आप डिले इलेक्शन क्यों करवाना चाहते हैं? ठीक है, या जिम्मेदारी उठा लो कि हम डिले करवाना चाहते हैं, ठीक है, ना करो, ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, ख्वाजा साद रफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और डी लिमिटेशंस के हवाले से भी हमारी बात हुई। ख्वाजा साहब की अपनी जो रेलवे की वजारत है उसमें क्या तब्दीली आई है? ख्वाजा साहब ने उसके अंदर भी कुछ बेहतरी आई है? नहीं, क्योंकि इकॉनमी के हवाले से तो यही कहा जा रहा है मईशत का बहुत बुरा हाल है, रेलवे के हवाले से ख्वाजा साहब ने क्या परफॉर्मेंस दी है कुछ उस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू द पॉइंट। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ख्वाजा साद रफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, ये बताइएगा इस वक्त अब इदारों के दरमियान आपकी हुकूमत के साथ क्या ताल्लुकात हैं? टेंस हैं, जजों के ऊपर क्रिटिसाइज आप लोग करते रहे हैं, अदलिया पर क्रिटिसाइज करना है, फौज से अब किनाराकशी इख्तियार कर लिया, या उनको भी आप लोगों ने इसी तरह हिट करते रहना अपनी स्पीचेज में? एक तो जी, हमने किसी को हिट नहीं किया, हमारा किसी को हिट करने का इरादा नहीं है। हमें हिट ज़रूर किया गया, कुछ ऐसी जगह हिट किया गया जो लोगों को नज़र आया, कुछ ऐसा जो नज़र नहीं आया। किसने कब कहाँ हिट किया मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। अच्छा, लेकिन बीइंग पॉलिटिशियन और पाकिस्तान की बतौर एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के, जो हम सोचते हैं और जो हमारे यहाँ सोच मौजूद है कि ये जहाँ जहाँ जिस जिसने भी हिट किया है उसका ना कोई बदला लेना है, ना उसका कोई जवाब देना है, और ना जेन के अंदर कोई इंतकाम पैदा होने देना। सर, आप स्पीचेस में बैठ के कहते हैं जी 5 लोगों ने आपके वोट का तकद्दस पामाल कर दिया, ये बदला नहीं, तो और नहीं, ये बदला नहीं है। मुझे इजाज़त दें अपनी बात पूरी कर लो। तो ना हमने कोई बदला लेना है, ना हमने किसी से इंतकाम लेना है, ना किसी के खिलाफ कोई साजिश करनी है। ये मुमकिन नहीं है कि एक इंसाफ के खिलाफ फैसला दिया जाए बगैर किसी सबूत के, आप हमें चोर बना के खड़ा कर दें चौराहे में और हम जबान बंद कर रहे हैं ताकि जब कल लोगों के पास जाएं तो लोग कहें भाई तुम तो चोर हो, तुम तो बोले नहीं थे, तुमने तो कोई मुकदमा ही नहीं लड़ा। तो हमारा मुकदमा, हमें इंसाफ नहीं मिला, नंबर एक। ये कोई महाजरा ही नहीं है, ये इस आईन और कानून इजाज़त देता है ये बात करने की, कोई हमें इंसाफ नहीं मिला, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन की गई है, हमारे मुकदमात में नज़ीरें कायम की गई और नज़ीरें कायम की जा रही हैं, और हमें इंतकाम का और तासुब का निशाना बनाया। नहीं, सबके साथ हो रहा है सर, अलीम खान को भी बुला लिया, उन्होंने चौधरी ब्रादरान को भी बुला लिया। प्लीज उधर भी बात करते हैं, उधर भी एक मिनट, उसका निशाना बनाया जा रहा है। और जब हमें निशाना बनाया जाएगा तो हम रिटेलिएट नहीं करेंगे, लेकिन हम अपना नैरेटिव कौम को जरूर बताएंगे कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, कोई महाजरा हमने ना किया ना करना चाह रहे हैं। ठीक है, मुझे अलीम खान साहब का पता नहीं है, चौधरी साहबान के मैंने अखबार में पढ़ा है, और मैं तो इस प्रोसेस की हिमायत नहीं करता। आप हिमायत नहीं करते? मैं नहीं करता, इसलिए
सर ये तो सारे फिर मिल रहे हैं ना, आप लोगों का मसला यही है कि आप लोग कोई सेंस की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है और आप एक इल्जाम तैयार करके बैठे हुए हैं। जब कोई आदमी ये, मैंने एक अजीब बात की है आपको, तो मुझे पूछना चाहिए था सुलन के तुमने ये क्या कहा, आपने अपना साथी फतवा सुना। मैं तो कह रहा हूं हमें भी पकड़े, नहीं एंकर्स को भी पकड़े। एक मिनट, हम ही एक दूसरे को पकड़ते रहेंगे, फिक्र ना करें, ये फतवे सादर ना करें, मेरी बात की गहराई में जाएं। बताइए जी। देखिए मुझे नहीं पता चौधरी साहबान ने क्या किया है, सुनते रहे हैं, ठीक है, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, ठीक है। मुझे ये पता है कि थोड़े थोड़े सालों बाद उनकी फाइलें खुल जाती हैं, हाँ। फिर वो आराम से घर भी तशरीफ ले आते हैं, तो जब उनकी फाइल खुली है तो जो भी फाइल खोलते हैं वो एक मंथ के अंजाम तक एक ही बार पहुंचाए ना, तो उनको भी कल ये कहने का मौका मिलेगा कि भाई हमें तो कई बार बुलाया गया, मैं उनका मुकदमा नहीं लड़ा। परवेज अलाई साहब को मैं टीवी पे कह रहा हूँ मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। अच्छा। शुजात साहब की मैं इज्जत करता हूँ, वो रिस्पेक्टेबल आदमी है, क्योंकि वो चीज़ों को जोड़ने की बात करते हैं, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, ठीक ठीक। लेकिन इसी तरह इवन अलीम खान हो या कोई भी हो, टारगेट पॉलिटिशियन बन रहा है, मुझे ये नजर आ रहा है, मैं इस तरह देख रहा हूँ। चल ठीक, तो मुझे ये कहने की इजाजत दे कि सियासतदान टारगेट बन रहा है ना, तो क्या है ये सियासतदान टारगेट क्यों बन रहा है? ठीक, आपने तो अपना एहतसाब खुद करना है, आपने भी अपना एहतसाब खुद करना है। सर आप हमारा करें, मैं आपको नहीं इन्फेक्ट करें, मैं हमारे से मुराद मेरी बिरादरी की बात कर रहा हूँ, करें एहतसाब आपकी बिरादरी पकड़ के करें अंदर, अगर कोई करप्ट है तो हम नहीं पकड़ सकते, हमारे अंदर अभी इतनी इतना ताकत और हिम्मत है, आप तो लोगों के कपड़े उतार देते हैं इसलिए, लेकिन होना चाहिए अगर मुल्क को आगे लेके जाना है, अगर मुल्क को लेके जाना है तो फिर अगर वो अकाउंटेबिलिटी होगी ना, उसमें फिर जर्नलिस्ट भी आएंगे, पॉलिटिशियन भी आएंगे, जज भी आएंगे, जर्नैल भी आएंगे, सर्वेंट अल्लाह करे, लेकिन वो आज मुमकिन नहीं है। चल ठीक है, उस वक्त का इंतजार करना चाहिए जब अक्रॉस द बोर्ड हो और एक ऐसा अरेंजमेंट हो कि उस पर कोई स्टेक होल्डर फिर एतराज भी ना कर सके। नाज़रीन, ख्वाजा साद रफीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी, जिस पाकिस्तान की बात कर रहे थे ये पता नहीं रोशन पाकिस्तान था या नया पाकिस्तान था, अल्लाह करे ये पाकिस्तान जल्दी हम सबको नसीब हो जिसपे अक्रॉस द बोर्ड सबकी अकाउंटेबिलिटी हो। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।